गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आप दोपहर 1:30 PM पे आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जहां रेगुलर हम 30 सवाल कराते हैं। माय डियर, मेरी आवाज़ आ रही है क्या भाई? तो हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चों में कौन कौन है भाई? विनीत यादव, मुकेश कुमार गिरी, क्या बात, मेरी आवाज आ रही है क्या भाई? राम राम, अंजलि जी कैसे हैं, ललिता, पार्थ, पवन कुशवाहा, मुकेश कुमार गिरी, विटामिन, है ना। चलिए शुरुआत करें और आज 30 सवाल करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, स्ट्रेटेजी के जबरदस्त सेशन होंगे, क्वेश्चन भी जबरदस्त होगा, देखने में बड़ा मजा आएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाँ बिल्कुल राघव, आप भी हो रघुपति राघव, राजा राम, है ना। लक्ष्मी जी कैसे हैं, क्या हाल है, शिवम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चे, ठीक है। तो आज 30 सवाल करेंगे माय डियर, 30 सवाल में मैं आपको बता दूं बहुत मजा आने वाला है, और बिल्कुल नए नए सवाल देखने को मिलेंगे आपको। कैसा, बिल्कुल नया नया सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अभी 12:40 पे क्लास था SSC कैटेगरी में, मैं आपको बताऊं 12:40 में वायसराय पढ़ा रहे थे बहुत बिल्कुल डिटेल में। तो आप भी लाभ उठा सकते हो, क्योंकि आज दूसरा लेक्चर था वायसराय का, सेकेंड लेक्चर था हमारे साथ अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी पे ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको चारे सब्जेक्ट एक साथ मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS और फिर इंग्लिश, है ना। और अभी NTS का एग्ज़ाम भी है नज़दीक 5 अक्टूबर से, तो अभी देखोगे 24 महीने का फिर 7800 रुपये हैं, 12 महीने का 6500 हैं, 6 महीने का 5400 हैं। आप हैव यू रेफरल कोड, बिल्कुल रेफरल कोड है, आप यूज़ करते हो, और साथ ही साथ 24 महीने में आपको फ़ायदा मिल जाएगा इसका, 8 महीने एडिशनल हैं, 12 महीने में 4 महीने एडिशनल हैं, और 6 महीने में 2 महीने एडिशनल हैं। लेकिन अगर आप केवल रेलवे की तैयारी करते हो तो 9:05 में मेरी क्लास चलती है सुबह, जो ग्रुप डी और NTPC CBT 2 दोनों को टारगेट करते हुए। अभी मैं करा रहा हूँ CBT 1 में जो एग्जाम में पूछे गए सवाल उसके, तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि प्राइस हाइक ना हो उसके पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के आप हमारे रेफरल को लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं बाबा टीम में। आइए देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है, कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2021, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? वुमेन इन लीडरशिप, वुमेन अचीविंग इक्वल फ्यूचर, वुमेन इन लीडरशिप चूज टू चैलेंज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आपके सामने, गज्जू ऐसा ना को बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे रहो आप हमेशा, बताओ। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई, विश्वकर्मा और कर्मा प्रकृति का त्यौहार है, कर्म पूजा जो झारखंड में मनाया जाता है, ट्राइबल है, फेस्टिवल है, ठीक है। तो क्या होगा पहला, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन COVID-19 वर्ल्ड, की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं बच्चे, 8 मार्च को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रहेगा। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय नेतृत्व में महिलाएं एक COVID-19 दुनिया में एक समान भविष्य प्राप्त करना है। When was the first international women's day celebrated? पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? 28 फरवरी 1909, 8 मार्च 1910, 8 मार्च 1909, 28 मार्च 1909, सवाल नंबर 2 बताइए क्या होगा। अच्छा 13 फरवरी बेटा नेशनल है, ये इंटरनेशनल पूछा है ना, बड़ा चालान कटवा लिया आप लोगों ने, एक बार जरा शेयर कर दो यार, कॉपी करके जरा। क्या होगा भाई, 28 फरवरी 1909 देख लो, सब गलती लगाएंगे, कब मनाया गया, 28 फरवरी 1909 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जबकि 28 फरवरी को भारत में नेशनल साइंस डे के रूप में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब होगा, तो 28 फरवरी 1909 को सेलिब्रेट किया जाता है।
पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी 1909 को, ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट, पहला इंटरनेशनल कर रहे हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय, है ना, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? शुभांगी सिंह, शिवांगी सिंह, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 3, चालान कट गया कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, लूट गए बर्बाद हो गए कोई दिक्कत नहीं है, सब जमा कर दे जाओ। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन है? शिवांगी सिंह। क्या बात है गज्जू जी, शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला फाइटर बनी है। नेक्स्ट की बात करें, आजादी से पहले केंद्रीय कैबिनेट में पद संभालने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी, क्या हुआ काजल जी, कैसे हो, क्या हाल है बताओ जल्दी, कौन है, राजकुमारी अमृत कौर या विजयलक्ष्मी पंडित? आजादी से पहले केंद्रीय कैबिनेट में पद संभालने वाली महिला क्या होगा? राजकुमारी अमृत कौर, है ना, हाँ अमृत कौर बच्चे, ये हेल्थ मिनिस्टर थी। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ना 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 ना, सही है सही है, सही है, सही है। ये क्या कह रहा है कि आजादी से पहले सही है, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर आजादी के बाद, राजकुमारी अमृत कौर आजादी के बाद, आजादी के बाद, आजादी के बाद राजकुमारी अमृत कौर, याद रखना। डी क्यों होगा 100%, डी क्यों होगा 100% आजादी के बाद। तो विजयलक्ष्मी पंडित स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय कैबिनेट पर संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी, याद रखना बिल्कुल, ठीक है, आ रही बात समझ में। आगे देखो नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब 2021 में किस टेलीविजन श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? द क्राउन, दिल्ली क्राइम, ग्रेज एनाटॉमी या अ हैंडमेडन टेल, एक दासी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 5, आजादी के बाद, ठीक है नहीं, ठीक है जल्दी, गोल्डन ग्लोब 2021 में किस टेलीविजन श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? द क्राउन, किसने जीता है? द क्राउन, किसने जीता? द क्राउन। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में द क्राउन ने सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन ड्रामा पुरस्कार जीता है, कौन? द क्राउन, ठीक है। दिल्ली क्राइम, सब लगा दो दिल्ली क्राइम, चलान कटवा लो बिल्कुल, सब दिल्ली क्राइम लगा दो, संतुष्टि मिल गई, तसल्ली मिल गया, मिल गया तसल्ली, खुश हो गए। किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरी के उद्घाटन में अधिवास उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल। सवाल नंबर 6, जल्दी नीतू जी, 1:30 PM पे रेगुलर क्लास होती है, पता चलने वाली बात क्या, 1:30 पे आप आ जाइए वाईफाई स्टडी पे। बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जाती है विजयलक्ष्मी पंडित, गलती ना है वो, है ना, हरियाणा, कौन है ये? हरियाणा। नेक्स्ट की बात, हरियाणा राज्य ने उस बिल को अपनी स्वीकृति दे दी जो स्थानीय लोगों को प्रति माह 50,000 रुपये तक के सकल वेतन के साथ निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करेगा। किसे पॉकेट हरक्यूलस के नाम से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज पॉकेट हरक्यूलस? माइक टायसन, मनोहर एच, मनोतोष रॉय, मोहम्मद अली। सवाल नंबर 7, कौन होगा? तो मनोहर एच, ये क्या है, पॉकेट हरक्यूलस के नाम से, आइए समझते हैं। मनोहर एच एक भारतीय बॉडी बिल्डर थे,
वह मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय। तो पहले भारतीय कौन है? मनोतोष रॉय। मनोतोष रॉय पहले भारतीय हैं जो बॉडी बिल्डर थे, ठीक है भाई। और ये पॉकेट हरक्यूलस के नाम से जाने जाते हैं, मनोहर एच। अगर सवाल बनेगा कि पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन है, तो मनोतोष रॉय हैं, 1951 में बने हैं ये, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? हीनयान, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, क्या होगा? यहां भी संप्रदाय ऐड कर दो। महायान संप्रदाय। तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात की अगर मैं बात करूं तो महायान संप्रदाय है। कौन है भाई? महायान संप्रदाय, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। तो महायान संप्रदाय क्या है ना, मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, और कुषाण युग के दौरान गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी। जब सवाल पूछे जाएंगे कि महायान और हीनयान में मूर्ति पूजा में कौन विश्वास करता है, तो आप क्या कहोगे? महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा में, और हीनयान संप्रदाय जो बुद्ध की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसको मानता है ये। नेक्स्ट की बात करें, कौन से संग्रहालय में कुषाण मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है? सवाल नंबर 9। कल भी 1:30 PM पे ज्वाइन करना, बहुत मजा आएगा। कल 1:30 PM पे ज्वाइन करना बच्चे, बहुत मजा आएगा, इसलिए कि बहुत डिटेल में देखेंगे कल। डिटेल में क्या देखना? बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रैटेजी के नए नए सवाल आपको, ठीक है। तो मथुरा म्यूजियम, कुषाण मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह की बात करें तो मथुरा म्यूजियम है। क्या है? मथुरा म्यूजियम। मथुरा संग्रहालय में मूर्तियों का सबसे बड़ा एक संग्रह है, कलेक्शन है, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से 3rd शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की है। इसमें गुप्त और कुषाण राज्यों की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? प्राचीन वैदिक काल कला, मौर्य कला, गंधार कला या गुप्त कला? सवाल नंबर 10, जल्दी। हाँ, सेकेंड कैपिटल ऑफ कुषाण, पहला कैपिटल भी बता दो क्या होगा। तो तक्षशिला प्रसिद्ध होने के पीछे कारण क्या है? गंधार कला। कई लोग लगाएंगे मौर्य कला, ना लगाना, मौर्य शिक्षा केंद्र था ये, मौर्य काल में ये शिक्षा केंद्र था, मौर्य काल में ये शिक्षा केंद्र था, ठीक है। तो गंधार कला के समय तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध था, ठीक ना। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षण को मिलाने वाले, समन्वित करने वाले, कंबाइंस करने वाले फीचर को हम क्या कहते हैं? शिखर, वर्ण, नागर, गंधार, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहेंगे? गंधार। देखो, भारतीय और यूनानी दोनों को मिलाकर गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना गया। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो फेमस किया किसने? कनिष्क ने। कौन फेमस किया? कनिष्क ने, जो महायान संप्रदाय को मानता था। इसे मानता था? महायान संप्रदाय को मानता था। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कुषाण काल में कनिष्क के शासन काल में हुआ, और मानव के रूप में बुद्ध का पूजा या पहला मूर्ति गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के तहत बनाया गया। और सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति किससे बनी है, तो आप याद रखना, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अगर सवाल कहता है कि पहली मूर्ति किसकी बनी, तो बुद्ध की गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, और सबसे ज्यादा मूर्ति मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, दोनों याद रखना, ठीक है। हाँ, पहला राजधानी पुरस्कृत पेशावर थी, क्या बात है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द पारसनाथ हिल लोकेटेड? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, लातेहार, कोडरमा, दुमका। सवाल नंबर 12, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द पारसनाथ हिल लोकेटेड? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड किस जिले में स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी की बात करें गिरिडीह, और पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर है, जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी का नाम पड़ा। कहाँ होगा? गिरिडीह। कहाँ है ये? गिरिडीह। कोडरमा क्यों मशहूर है? अबरक के लिए मशहूर है, अपने अबरक के लिए मशहूर है कोडरमा, ठीक है। क्या होगा? गिरिडीह। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। अभी गिरिडीह की बात करें तो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है ना, जो जन्मस्थल कहते हैं ना। जल्दी,
तो पावापुर में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर के संबंध किससे है, जरा बताइए। सवाल नंबर 13। जैन धर्म। पावापुरी में जैन धर्म, क्योंकि अगर आप देखोगे तो महावीर की मृत्यु कहाँ होती है, पावापुरी में, ठीक है। किस शहर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, भागलपुर, नालंदा, बोधगया, वैशाली, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी। हाँ बच्चे, मैं गिरिडीह से हूँ, नेटिव प्लेस हमारा वही है। तो किस शहर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, भागलपुर। इसका निर्माण कौन करता है माय डियर, इसका निर्माण धर्मपाल करता है, धर्मपाल करता है, जो बौद्ध शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज विश्व शांति स्तूप लोकेटेड, विश्व शांति स्तूप कहां स्थित है, बोधगया में, राजगीर में, गजल में, या वैशाली में। सवाल नंबर 15, जल्दी बताओ क्या होगा। ग्रेड में कहां, ग्रेड में राजदरबार का नाम सुना है ना, वहीं पे। तो विश्व शांति स्तूप कहां स्थित है, राजगीर में। कहां पे माय डियर, राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहां पे, राजगीर में है, कहां पे, राजगीर। और याद होगा आपको कि ये सबसे पहले मगध डायनेस्टी का कैपिटल राजगीरा, राजगीरा जिसे हम गिरिब्रज कहते हैं, गिरिब्रज कहते हैं, क्या कहते हैं, गिरिब्रज कहते हैं, ठीक है। आगे, तो विश्व शांति स्तूप बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में गीताई मंदिर के पास एक बड़ा सफेद स्तूप है, बुद्ध की मूर्तियां चार दिशाओं में स्तूप पर स्थापित है, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला पहलवान कौन है, जल्दी। बिल्कुल सोहन, इसमें कोई पूछना है बच्चे, बताओ, है ना। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला पहलवान कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी बच्चे, कौन है, साक्षी मलिक। कौन है, साक्षी मलिक। आगे देखो, तो अगर आप देखोगे तो साक्षी मलिक ने कब जीता, रियो ओलंपिक 2016 में, क्योंकि इस बार वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, इस बार वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है। कब जीती है, रियो ओलंपिक 2016 में, 58 किलोग्राम वर्ग में, इसमें 58 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस खेल ने ओलंपिक 2020 में अपनी शुरुआत की है, कराटे, फेंसिंग, जूडो, या घुड़सवारी, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी। तो कराटे, चार खेल थे भाई, कौन कौन, कराटे, स्केटबोर्डिंग, और फिर फेंसिंग, कलम्बिंग और सर्फिंग, है ना, क्या ये खेल चलाई, स्केटबोर्डिंग और क्लाइंबिंग, चार गेम को शुरुआत की गई थी, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म पीडीएफ, बहुत शोर मचा दो सर, पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ बता दीजिए क्या होगा, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी, क्विक, फास्ट। तो पीडीएफ की अगर मैं बात करूं, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा माय डियर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एचटीटीपी का फुल फॉर्म है ना। भारत में सबसे बड़ा जीपीओ कौन सा है, पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस की बात करें, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, विच इज द लार्जेस्ट जीपीओ इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा जीपीओ कौन सा है, मुंबई, सबसे बड़ा जीपीओ कौन सा है, मुंबई है। मुंबई के जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना 1794 में मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए तत्कालीन नियुक्त पोस्टमास्टर जनरल चार्ल्स एल्फिंस्टन द्वारा की गई थी, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, सब कोलकाता के पीछे लग गए,
जब भी कोलकाता ने चालान कटवा दिया आपका। तो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी की बात करें गोल्डन ऑस्टिन, इसे हम क्या बोलते हैं, K2 काराकोरम, जिसकी हाइट 8611 मीटर। अगर ये ना होता तो हम कंचनजंगा लगाते जिसका हाइट 8586 मीटर है ना। तो K2 को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है भाई, K2 को गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, याद रखना K2 को गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, गलती मत करना बिल्कुल। अगर ये ना होता तब हम कंचनजंगा डेफिनेटली जो सिक्किम में पड़ता है लगाते। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा, लूनी, अरवरी, माही, क्वेश्चन नंबर 22। जय जगन्नाथ भाई। तो भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी, जो राजस्थान की नदी है, जो राजस्थान की नदी है, ये सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, भारत में 2510 किलोमीटर में बहेगी। लूनी ब्रैकिश रिवर एक खारी नदी है ना। तो अरवरी नदी भारत के राजस्थान राज्य की एक छोटी नदी, इसकी लंबाई सिर्फ 90 किलोमीटर है, भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है और यह राजस्थान के अरवरी जिले से होकर बहती है ना। दीन बंधु के नाम से जाने जाने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, चार्ल्स फिर एंड्रयूज, चित्रंजन दास। सवाल नंबर 23, हु इज द इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज दीन बंधु, आदर्श कॉलेज के बगल में, क्या बात है संगीता जी, सही है। दीन बंधु के नाम से जाने जाने वाला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चार्ल्स फिर एंड्रयूज, और चित्रंजन दास की बात करें माय डियर तो ये देश बंधु, ये कौन है, ये देश बंधु, देश बंधु चित्रंजन दास, देश बंधु चित्रंजन दास, गलती लगाओगे ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये देश रत्न है, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये देश रत्न है ना, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये देश रत्न है, देश बंधु और दीन बंधु, और ये लोकनायक, देख रहे हो कितने गड़बड़ हो रहे हैं, ये लोकनायक यानी, ठीक है, क्लियर है भाई, अगर क्लियर है तो जरा लाइक ठोक दो सर, क्लियर हो गया, अब कंफ्यूज नहीं करेंगे दीन बंधु और देश बंधु में, दीन बंधु और देश बंधु में क्लियर हो गया ना। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, सुल्तान अहमद मस्जिद, जामा मस्जिद, मस्जिद अल हरम या फैसल मस्जिद। सवाल नंबर 24, जल्दी क्या हो रहा भाई, तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें मस्जिद अल हरम, और भारत के लिए जामा मस्जिद, भारत के लिए जामा मस्जिद जो कहाँ है, दिल्ली में, किसने बनाया, शाहजहां ने, है ना। तो अल हरम मस्जिद से मक्का की महान मस्जिद के रूप में जानते हैं, एक मस्जिद है जो सऊदी अरब के मक्का प्रांत में, मक्का में काबा को घेरती है, मक्का में काबा को घेरती है, ये देख सकते हो आप, ये सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम मस्जिद है ना, सबसे बड़ी मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, विच इज द सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, एमू, ऑस्ट्रिच, ग्रेट बस्टर्ड, कोई नहीं। सवाल नंबर 25, विश्व की सब दूसरा सबसे बड़ा पक्षी की बात करें बेटा तो ये जो दिख रहा है ना फोटो में वो है नहीं, फोटो में जो है वो है नहीं, सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू ये है, जो आपने फोटो देखा ये क्या है, ऑस्ट्रिच है जो सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रिच है जो सबसे बड़ा है, ये ऑस्ट्रिच है ये सबसे बड़ा है, लेकिन सवाल दूसरा सबसे बड़ा पक्षी पूछा तो क्या होगा, एमू होगा, क्या होगा, एमू होगा सबसे, है ना, एमू दूसरा सबसे बड़ा पक्षी, याद रखना बिल्कुल। जैन का पहला तीर्थंकर कौन था, अरिष्टनेमी, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभ। सवाल नंबर 26, तो अभी आप देखोगे जैन का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, ऋषभनाथ जिसे आदिनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं, पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे, है ना, 23rd तीर्थंकर याद रखना। पंडित विश्व मोहन भट्ट जिन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं,
सरोद, तबला, वायलिन, नन, कोई नहीं सवाल नंबर 27 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तो प्रसिद्ध पंडित विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा पढ़ा चुके हैं, इसे पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा स्टैटिक जीके में ही। मोहन वीणा कौन है भाई? मोहन वीणा, ये देखो मोहन वीणा। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म 27 जुलाई 1950 को राजस्थान के जयपुर में हुआ है। ये पंडित रविशंकर के शिष्यों में से एक हैं। ये विश्व ये मोहन वीणा के जनक हैं। क्या है? मोहन वीणा के जनक हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी, वाराणसी, जबलपुर, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 28, सरोद वाले का जन्म कट गया आज। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है भाई? ग्वालियर में। देखो झांसी की अगर बात करें तो ये झांसी की बहू है, वाराणसी में जन्म होता है और ग्वालियर में समाधि है, ग्वालियर में समाधि है, है ना? याद रखना, झांसी की बहू, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वाराणसी में जन्म होता है ना? मनु, मणिकर्णिका इनका वास्तविक नाम। मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली? तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। सवाल नंबर 29, कल भी सेशन को और जबरदस्त मनाएंगे और कल कोशिश करेंगे 50 सवाल करने का, ठीक है? कल कितने? 50 स्टैटिक जीके करने की कोशिश करेंगे, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल कल याद, ठीक है? संगीता जी मेरे गांव में राज बनवा रहे, क्यों, क्या करना, आप क्लास तो कर लो। केरल भाई देखो, हिंदी देखकर मत फंसना। साइलेंट वैली यानी मूक घाटी, मूक घाटी यानी शांत घाटी, शांत घाटी केरल है। क्या है? केरल है, याद रखना बिल्कुल। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? वेयर इज कपिल वस्तु लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 23, क्लास का टाइम क्या बच्चे? क्लास का टाइम रोजाना 1:30 PM पे, 1:30 PM। तो कपिल वस्तु कहाँ? नेपाल में है, जहां पर बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, कहाँ? नेपाल, कहाँ? नेपाल। तो ये था सेशन, मजा आया? कैसा था सेशन जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मजा आया तो जरा लाइक ठोक देना। हमारे साथ आप पेड वाले बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो ऑल इन वन है, वो बिल्कुल सारे एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए 12:40 पे अन अकेडमी पे। बाबा 10 कोड लगाइए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए और बिल्कुल अपने जीके जीएस इतना स्ट्रांग कर लीजिए, सोच नहीं सकते बिल्कुल, है ना? बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और अभी ऑफर भी है, 24 महीने में 8 महीने माइटी है, 12 महीने में 4 महीने। बस कोड यूज करना आपको क्या है कि हमारा रेफरल कोड BA10 बाबा 10 भाई, क्या बाबा 10। और रेलवे का प्राइस हाइक होना है, याद रखना, रेलवे एग्जाम्स का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ रेलवे एग्जाम में, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर एंड सक्सेस हो, क्योंकि CBT1 जबरदस्त तरीके से हुआ है ना। और परसों कॉम्बेट है, संडे है, पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर शाम को 5 बजे वाईफाई स्टडी पे, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।